दोस्तों, आपने साल 2014 में कलर सी व प्रसारित हुआ शो उड़ान तो देखा ही होगा, जिसकी कहानी चकोर नाम की एक ऐसी लड़की पर आधारित होती है जो उड़ान भरने के कई सपने देखती है, पर अफसोस जन्म से पहले ही पैसे के लिए उसे गिरवी रख दिया जाता था। मगर उसके जीवन की हर एक चुनौती उसे सपने को पूरा करने से रोक नहीं पाती है, इसलिए वह बड़ी होकर एक एथलीट बनकर अपने सपनों की उड़ान भरती है और अपने गाँव में बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन दोस्तों, इस सीरियल को खत्म हुए आज काफी साल हो चुके हैं, इसलिए इन बीते सालों में शो में काम करने वाला कलाकार आज काफी बदल चुके हैं, जिन्हें एक नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सीरियल में काम कर चुके कुछ कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जो आज काफी बदल चुके हैं। नंबर एक, साई बलाल। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता साई बलाल का, जिन्हें इस शो में कमल नारायण के किरदार में देखा गया था, जो अपने इस किरदार से घर घर में अपने इस नकारात्मक किरदार के लिए मशहूर हो गए थे। लेकिन अगर बात करें दमदार अभिनेता के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि दमदार अभिनेता आज पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जो कि शो में शाही लिबास में नजर आते थे, तो वही अब इनका ये लिबास काफी स्टाइलिश हो चुका है, जैसा की इन तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। आपको बता दें की वर्तमान में अपनी वाइफ क्षमा देशपांडे के साथ मुंबई में रहते हैं, जहाँ रहते हुए इन्होंने अभी भी अपने करियर को करार रखा है, जहाँ इन्हें कुछ समय पहले ही आए शो दुर्गा में देखा गया था। नंबर दो, विधि पांड्या। शो में इमली यानी कि चकोर की छोटी बहन के किरदार में नजर आने वाली अदाकारा है विधि पांड्या, जिन्होंने अपने किरदार में अपने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही किरदारों से दर्शकों से खूब तारीफें भी हासिल की थी। वही अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि विधि पांड्या आज अपनी 24 साल की उम्र को पार कर चुकी है, और इसी के चलते इन्हें सूट और साड़ी में देखा गया था, तो वही इन्हें आज काफी ज्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़ों में देखा जाता है, जिनके लुक्स के आज लाखों दीवाने हैं। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि ये अभी सिंगल है और अपने करियर में अभी फोकस करना चाहती हैं। नंबर तीन, पारस अरोड़ा। शो में विवान की मुख्य भूमिका में नजर आने वाले अभिनेता है पारस अरोड़ा, जिन्होंने अपने एक्टिंग और अपने डैशिंग लुक से इस किरदार में जान डाल दी थी। वही अगर बात करें इस दमदार कलाकार के आज के बारे में, तो आपको बता दें की पारस अरोड़ा आज 27 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, और जिसके चलते ही अपने पहले के मुताबिक काफी स्टाइलिश और हैंडसम नजर आते हैं। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि अभी सिंगल है और वर्तमान में अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। नंबर चार, विजेंद्र कुमेरिया। चलिए अब बात करते हैं शो में सूरज राजवंशी का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता विजेंद्र कुमेरिया के आज के बारे में, जिन्होंने वर्तमान में अपनी 35 साल की उम्र को पूरा कर लिया है, जो आज भी पहले की तरह ही काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग नजर आते हैं, जिनका लुक और पर्सनैलिटी आज पहले के मुताबिक काफी ज्यादा एनहेंस हो चुका है। वही आपको बता दें की आज भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है, जो जी टीवी पर प्रसारित शो आपकी नजरों ने समझा में नजर आ रहे हैं। नंबर पाँच, मीरा देवस्थले। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अपना नाम शुमार कराने वाली अभिनेत्री है मीरा देवस्थले, जिन्होंने शो में चकोर की मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। अब बात करें अभिनेत्री मीरा के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अपनी 25 साल की उम्र को पूरा कर चुकी है, जिन्हें शो में चकोर के किरदार में काफी ज्यादा सादगी भरे अंदाज में देखा गया था। तो वही शो में सूट और सलवार में नजर आने वाली मीरा आज ज्यादातर मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े कैरी करती है, जिनमें ये काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आती है। वही आपको बता दें कि आज अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है। तो दोस्तों, इन सभी कलाकारों में से किसके आज से रूबरू होकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।